नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन खेमरिया स्वागत करता हूं आपका श्री दंदरवो सरकार 1008 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दंदरवो सरकार की करंट अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल या कहीं भी सर्च करें दंदरवो सरकार 1008। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भंडार भर देती है, कभी कमी नहीं पड़ती। भगति के लिए भगत हे तो विद भवन बिहाई सुमिरत शारद आवत धाई, कि सरस्वती के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए। किसी को रोग हो, राम कृपा नाशय सब रोगा, जो ये भांति बने संयोगा, अल्प मृत्यु नहीं कवन पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मेरे वाली माता बहने घर घर में गाय के घी से हवन करती थी, घर घर में हवन होता था, चक्की चलती थी, मठा भरता था, सब छिपले सारी व्यवस्थाएं। हमारे सभी लोग ब्रह्मगुरु जगते थे, माता बहने भी जगती थी ब्रह्मगुरु। अब कितना परिवर्तन हो गया। हमारे यहां महाराज दशरथ ब्रह्मगुरु जगते थे हमेशा, एक दिन जगे नहीं, बड़ा आश्चर्य हुआ। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा। महाराज पिछले पहर जगते थे, एक दिन जगे नहीं, बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या जगे क्यों नहीं, इतना आश्चर्य हुआ। द्वार भीर सेवक सचिव कहे मुझे तेरा भी देख, जाग वजन अवध पति कारण कवन विषय। द्वार भीड़ लगी, सेवकों की मंत्रियों की भीड़ लगी दरवाजे, आश्चर्य हुआ जगह क्यों नहीं पाया। और अब आजकल तो जग जाए तो आश्चर्य होता, जग क्यों गए, 9 बजे तक क्यों नहीं सोए, आश्चर्य होता। हमारे यहाँ जब भगवान विष्णु क्यों न हो, लक्ष्मी त्याग देती है, 5 काम करते हैं। कुचैलनम दंतम लोक धारणम भोजनम नित्य कटभाषण, सूर्योदय चाष्टमय च शयनम विमोच्यते श्री रवि चक्र पाणी। ये 5 चीजें करते लक्ष्मी भगवान विष्णु क्यों न। कुचैलनम याने जो अंदर से बाहर से गंदे रहते हैं, जो स्वच्छ साफ नहीं रहते, स्वच्छता भगवान का निवास है, ऐसे लोगों को लक्ष्मी त्याग देती। दांतन नहीं करते, पलक पर बैठ करके चाय मंगाते हैं, उनसे कहो मुंह तो धो लेते, तो सिंगों की मुंह धो जाते, ऐसा नहीं बोलते। इसलिए ऐसे लोग लक्ष्मी त्याग देते। बहुत भोजन करते हैं, पेट से भर जाते हैं, भोजन हमेशा करें आधा पेट भोजन। हमारे गुरु महाराज कहते थे, वैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है रामचरितमानस के आधार से, मार्कंड पुराण के आधार से 108 वर्ष की है, देवियों को 12-12 वर्ष बांट गई है, 12 नवी 108 वर्ष की। लेकिन योग के आधार से आधा पेट, हमारे गुरु महाराज कहते थे 1-11 वर्ष को शरीर छोड़ा था हमने, आधा पेट भोजन करे दूना पानी पी, 100 वर्ष के ब्याज में 16 वर्ष जी। 100 वर्ष का 16 वर्ष ब्याज हो गया, 116 वर्ष की योग के द्वारा। हमारे भरतरी और गोपीनाथ जी जब गए थे गोरखनाथ के पास में, माता से प्रार्थना करी, सन्यासी बालक मानता है तो सन्यासी बालक के पैर पिता को छीने पड़ते, वो बालक माता के पैर छीने, दसगुणा माता का दर्जा बड़ा होता। तो माता से पूछा, माता जी हम जा रहे हैं उदासी बनने के लिए, गोरखनाथ का शिष्य बनने के लिए, 999 शिष्य अमर बना दिए, हमको भी बनना है। तो माता जी का ठीक है बेटा चले जा, हमें 3 बातों में ध्यान रखना है। कौन कौन सी? तो उनने माता जी बताया कि बेटा मोहन का भोग लगाना रोजाना, मोहन का भोग लगाना, गद्दा तक लगा के सोना और खिलाना के रहना।
भरत हरि गोविंद आश्रम पड़ गए, माता जी क्या कह रहे हैं, हम उदासी में निकले जा रहे हैं, सन्यासी में निकले जा रहे हैं, वहाँ कहाँ कट्टा तक ले रखे, कहाँ मौन भोग रखा। माता जी बोल रहा मेरी भाषा समझ नहीं पाए, समाधि भाषा। मौन भोग का मतलब होता है 24 घंटे में कृष्ण भोजन करना, आधे पेट करना, आधा हिस्सा रखें पानी के लिए, आधा हिस्सा रखें वायु के लिए। आधा पेट भोजन करोगे 24 घंटे में दूसरे की ऐसी भूख लगेगी कि सूखे चना खाओगे तो मौन को स्वाद आएगा। स्वाद भोजन में नहीं है, भूख में है। दूसरी बात, दर्द लगा के सोना, दिन में कभी सोना, सभी रीति में जग जाना, तो दूसरी ऐसी नींद आएगी तो खेतों में सो जाओगे। गद्दा दिया सुख नहीं है, सुख नींद में है। किला लगा बनाने बनाने का मतलब होता है किला बना के रहना, इनने जीत करके रहना, इनने को स्वामी बन कर रहना, गुलाम मत बन गया इंद्रियों। तो इसलिए जो है वास्तव में ही इस तरीके से जो लोग रहते हैं 100 वर्ष के जाने 16 वर्ष से ये योग है। तो पहले हमारे माता बहने बठा झेलती थी, चक्की चलाती, तभी ऑफिस नहीं होते थे, माता बहन बच्ची हो जाते थे चक्की करके, अब बिना ऑफिस बच्ची नहीं होते। इसलिए जो है दूसरी बात ये थी, हमारी माता बहने घर घर हवन करती थी तब ऊर्जा निकलती थी, घर में सुमति शांति रहती थी। अब कोर्स बदल दिया, घी का हवन तो होता नहीं, गाय के कंडे और गाय के घी से हवन होता था तब ऊर्जा निकलती थी, घर घर में प्रेम होता था, भाई भाई में प्रेम होता था, बेटा पिता में प्रेम होता था। तो अब बीड़ी से हवन घर घर में हो रहे हैं तो प्रदूषण फैल रहा है, कलह फैल रहा है, अशांति फैल रही है। इसलिए वही हवन फिर होने लगे तो फिर शांति हो जाए, फिर सुमति हो जाए। ऐसे ही हमारे भक्त लोग, हमारे भक्त लोग घर घर में पहले पाठ होते थे हनुमान चालीसा के, शिव चालीसा के, दुर्गा चालीसा के, सुंदरकांड के, बरातों में भी जाते लेके जाते थे कुंड का पाठ करने के लिए। अब घर घर में अखबारों के पाठ होते, अखबार के पाठ भले ही हों लेकिन दुर्गा चालीस शिव चालीस पढ़ो। ईश भजन सारथी सुजाना विरत शर्म संतोष कृपाण, ईश्वर का भजन ही सुजान सारथी शरीर में सुचलाने के लिए, ईश्वर का भजन ही चलाता है शरीर में। इसलिए शतव्यहाय भोक्तव्य सहस्र विष्णान माचरे लक्षण विहाय दातव्य कोट तिप्पा हरि भजे। 100 काम पड़े हों भोजन करना, 100 काम कोई भोजन कर, 1000 काम पड़े हों तो फिर 1000 काम छोड़ कर स्नान कर, 1 लाख काम पड़े दान देना है 1 लाख काम छोड़ कर दान दो, 1 करोड़ काम पड़े भजन करना है 1 करोड़ भजन करना। सर्वम तिक्ता हरिम भजी, सबसे पहले भगवान का देखो सुखी सुख प्राप्त हो जाए। हमारी माता में